मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट कन्वर्जन ऑफ टाइम, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. आदि वैल्यूज जो हमें याद रखनी है बिफोर कन्वर्टिंग, ये नोटबुक में लिखना है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. यानी सपोज दिस इज क्लॉक 12, वन आवर सपोज मिनट हैंड है, जो लंबा वाला हैंड होता है, यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पे आता है तो कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स. एक घंटे में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स. इट मीन्स 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. वन डे कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. इट मीन्स कितनी बार 12 बजते हैं? 2 बार, एक तो सुबह आफ्टरनून के 12 बजते हैं और रात के भी 12 बजते हैं. सो वन डे इक्वल टू 24 आवर्स. वन वीक सेवन डेज. वन वीक का मतलब एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. वन मंथ 30 डेज. वन मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज. यानी जो हमारी डेट होती है वो. वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12. वन ईयर इक्वल टू 365 डेज. एंड वन ईयर इक्वल टू 52 वीक्स. वन आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. वन डे इक्वल टू 24 आवर्स. वन वीक इक्वल टू 7 डेज. वन मंथ इक्वल टू 30 डेज. वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स. वन ईयर इक्वल टू 365 डेज. एंड वन ईयर इक्वल टू 52 वीक्स. ये हमें कंपलसरी याद रखना है, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे दिए, देर आर 10 मिनट्स इन 1 आवर. अभी एक घंटे में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स, राइट? सो दिस इज अवर आंसर. देर आर 10 आवर्स इन अ डे. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. देर आर 10 डेज इन अ वीक. एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7. देर आर 10 डेज इन अ मंथ. एक मंथ में कितने डेज होते हैं? इट मीन्स जो हमारी डेट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 जितनी, कभी कभी 31 भी आती है, हमें 30 ही लेनी है. देन देर आर 10 डेज इन अ ईयर. पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365. देर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, जो हमारा जनवरी फेब्रुवरी होता है वो. देर आर 10 वीक्स इन अ ईयर. कितने वीक्स? 52 वीक्स. एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स. अंडरस्टूड? फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स इन द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर टू. I am doing one sum and another sum. Both the sums you have to write in your notebook. It is given 7 hours. हमें hours में से किस में change करना है? Minute में.
1 आवर इक्वल टू कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये 7 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, ये हमारा चेंज हो गया आवर में से मिनट्स। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज गिवन 6 डेज। इसको हमें किस में चेंज करना है, आवर्स में। अभी 1 डे इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं, 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14। सो 144 वॉट आवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। क्वेश्चन इज 4 वीक्स। सो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, जो हमारे संडे मंडे होते हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 7। 4 7 ज़ा 28 डेज। अंडरस्टूड? फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दिया है 5 मंथ्स। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 12। आई मीन सॉरी, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। राइट, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 30। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा, ऐसे 5 3 ज़ा 15 डेज। राइट, नाउ लेट अस सी अवर क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज गिवन 5 ईयर्स। नाउ 1 साल में कितने डेज होते हैं, 365। तो हमें ये 5 को 365 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, 5 3 ज़ा 15, 16 17 एंड 18, 1825 डेज होते हैं 5 साल में। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज गिवन 7 ईयर्स। हमें नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करना है। तो 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, जो हमारे जनवरी फेब्रुवरी होता है वो। राइट, सो 12 7 ज़ा 84 मंथ्स। 7 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 84 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करना है। 1 ईयर में कितनी वीक्स होती है, 52। सो 5 ईयर्स में 5 मल्टीप्लाई बाय 52 करना है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26। सो वीक्स। अंडरस्टूड? थैंक यू।